जोरदार बारिश के कारण सूरत में सहारा दरवाजा पर बस फंस गई, यात्रियों को खिड़की से बाहर निकाला गया। मानसून के मौसम में महामारी भी बदतर हो गई, बुखार खांसी मच्छर जनित बीमारियों के मामले बढ़ गए। राजकोट जिले के धोराजी में भारी बारिश, धोराजी कस्बे में हर जगह पानी भर गया। भावनगर जिले में मूसलधार बारिश, पनियाली गांव में नदी में बाढ़। गिर सोमनाथ के कोड़ीनार में 3.5 इंच बारिश से पानी खेतों में भर गया। सूरत में मेघ राजा की तूफानी बल्लेबाजी से वन क्षेत्र के छोटे छोटे झरने भी फिर से जीवंत हो उठे। गोपाल इटालिया का ट्वीट, गोहिल बोले हम बड़े भाई, क्या गुजरात में हो रही है कांग्रेस और आपकी दोस्ती। पहले हटाया कोटा फिर लेकर आई नोटा, अब गुजरात में भी यूसीसी की कमान संभाल सकती है पूर्व महिला जज रंजना देसाई। परिंदु भगत डाकोर मंदिर समिति के अध्यक्ष बने, बीरेन पारिक द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नियुक्त किया गया। महसाना में हिंदू संगठनों की रैली, बैठक कर विधर्मियों द्वारा हमले का आरोप लगाया गया। सुरेंद्रनगर के वड़गांव में युवक की हत्या, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। मोबाइल फोन में महिलाओं की फोटो लेनी पड़ी भारी, वादी समुदाय के दो युवकों की सजा का वीडियो हुआ वायरल। भरूच में जम्बूसर के कवि कोम्बोई के बीच पर पानी में फंसी कार, वीडियो हुआ वायरल। 2024 के चुनाव में भाजपा की टक्कर इंडिया से होगी, एनडीए वर्सेस इंडिया का दिलचस्प होगी चुनाव जंग। बनासकांठा में गनीबेन के भाई की बड़ी मुसीबत, रमेश ठाकुर की एफएसएल रिपोर्ट आई सामने। सब्जियों और फलों के दाम आसमान पर, सूखे मेवों में मंदी, कालूपुर की चावल मंडी ग्राहकों के बिना सुनी पड़ी है। स्टंट करने वालों से सावधान, सूरत के एक स्टंटमैन का वीडियो हो रहा है वायरल। वडोदरा में सरकारी जमीन हड़पने के घोटाले का भंडाफोड़, 350 करोड़ की जमीन निजी व्यक्ति को हस्तांतरित। आज सोने के दाम 60,300 रुपए तोला तो वही चांदी 78,000 रुपए किलो। खत्म हुआ लंबा इंतजार, 24 घंटे बाद आमने सामने होगी भारत पाकिस्तान की टीम, दोनों टीमें कल एसएससी मेंस एमर्जिंग एशिया कप में भिड़ेंगी।